हम तो झूले में फ्री बैठते हैं हमेशा एस यूजुअल। चार भाई लोग बैठे यहाँ पे और इस वाले झूले में प्लान बना रहे कहीं जाते हैं पवन। तो आज नए ब्लॉग की शुरुआत कर दी नई शाम से और अभी मैं हूँ अल्मोड़ा पे। ये देखो मेरे सामने अल्मोड़ा अभी अभी नाइट व्यू ऐसा दिख रहा है और अभी बच रहे शाम के 7:30 होने वाला है और मेरे साथ है भाई, आगे भाई चल रहा है और मेरे साथ अभी एक भाई है और एक भाई भी आने वाला है। बाकी अल्मोड़ा में लगा आजकल क्या अल्मोड़ा महोत्सव कुछ मेला लगा हुआ है तो अभी हमारे जाने का प्लान वही है। ये देखो इतना अंधेरा हो रहा है शाम के टाइम में, अल्मोड़ा का मौसम कुछ ऐसा है, देखो इतना अच्छा व्यू दिख रहा है सामने। अब बात ऐसी थी कि जब से बल्लम भर्ती हुई थी उसके बाद भर्ती रानीखेत लास्ट ब्लॉग हुई था भर्ती वाला जो रानीखेत से हम वापस आ गए थे, तो उसके बाद भर्ती से रानीखेत से आने के बाद मैं अभी तक यहीं अल्मोड़ा ही रुका हूँ। दो दिन हो गए आज, कल वापस घर जाऊँगा मैं भाई, घर जाने का मन नहीं कर रहा है। क्या मुँह क्या शक्ल लेके घर जाए सोच रहा हूँ मैं तो, क्योंकि यार भर्ती कसम से बोल रहा हूँ सच में बहुत बुरा लगा, बहुत क्लोज से निकली है भर्ती हुई। कसम से सच बता रहा हूँ अगर भर्ती में अगर हमारे 30 बंदे भी अगर हर ग्रुप में ले लेते तो कम से सच बता रहा हूँ अपने गाँव के मतलब पूरा गाँव बच जाता अपना वहाँ, क्योंकि सब अपने बंदे जितने भी थे मतलब थोड़ा थोड़ा बचे हैं सबके सब लोग, बहुत कम बंदे थे जो नहीं दौड़ पाए वरना सभी दौड़ गए थे लगभग। थोड़ा भर्ती का गम भुलाने के लिए हम लोग थोड़ा मेले वेले घूमने के प्लान बना था, इसलिए मैंने चल दिया मेले घूमने के लिए। बाकी चलते हैं दिखाते हैं अभी जिनकी बात करता है। एक ही रहा भाई महेंद्र भाई मनोटा का है और ये नीरेश भाई, दोनों मनोटा के अपने गाँव साइड के हैं, मतलब तीन लोग हैं हम लोग। बाकी वहीं मिलेंगे दो चार लोग जो भी आएंगे वहीं दिखाते हैं उनको। ले पहुँच चुका हूँ कहाँ पे, जहाँ पे आई लव अल्मोड़ा लिखा हुआ है मेरे पीछे। फिर बाकी हम गेट से अंदर को आ चुके हैं और यहाँ देखो भीड़ एकदम, नीचे लोग वापस आ रहे हैं और जा भी रहे हैं, जिस तरह का नज़ारा नीचे गली का। फिर फाइनली पहुँच चुके हम लोग मेले पे जहाँ मेला लगा हुआ है और लोग घर पर आने लगे अभी से पहले क्यों, और इसके बाद भी यहाँ इतनी भीड़ हो गई, इतने लोग घर जा रहे हैं वापस, उसके बाद भी यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ है। ये देखो सामने आ गेट, तो मेले का स्टार्टिंग यहाँ से, यहाँ पे लगी स्टार्टिंग में लगी मूँगफली की दुकान है, इस तरह कुछ मूँगफली बिक रही है यहाँ पे। फाइनली पहुंच चुके मेले में और यहाँ मतलब इतनी ज्यादा भीड़ भाड़ हो रही है और पता नहीं आवाज आ पा रही नहीं आ पा रही, इसका कुछ नहीं पता, बाकी देखते हैं। फिर भी भाई लोग पीछे पता नहीं कहाँ हैं, तो यार अभी एक बंदा और आने वाला है अभी, उसको ढूंढ रहे अभी हम लोग। पर जिस भाई को ढूंढ रहे थे हम लोग अब से वो भाई मिल गया है, ये रहा भाई। तो भाई जिस भाई को ढूंढ रहे थे वो भी आ गया, ये रहा भाई। और कसम से बोल रहा हूँ जिस भाई ने भर्ती निकालते बचा, थोड़ा सा बचा है, हम लोग तो बहुत पीछे थे बंदा, लेकिन ये बंदा बहुत चूक है भर्ती निकालने से, ये भी हमारे साथ गम बुलाने के लिए आया है मेले में। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे, अभी प्लान बनाया जस्ट झूले में बैठने का और हम तो झूले में फ्री बैठते हैं हमेशा एज यूजुअल, आज भी फ्री बैठेंगे तो चलो और झूले के एंजॉय करते हैं थोड़ा। क्या भाई झूले इस तरह मेरे लिए दो झूले लगे हुए, ज्यादा नहीं दो ही झूले हैं, एक बड़ा वाला है एक नाव वाला जो होता है वो हो रहा, दिखाता हूँ आपको। तो यार गाइस दे रहे सामने झूले, एक गेरा और एक गेरा सामने और एक गेरा दो। तो यार अभी हम लोग यहाँ बैठ के चार भाई लोग बैठे यहाँ पे और इस वाले झूले में मैंने प्लान बना रहे कहीं जाते करके, बाकी देखते ऊपर जाने का। फाइनल मैं तो पहुंच चुका हूं ऊपर झूले पे ऐसे ऐसे, बाकी दोस्तों भी नीचे ही है, इनको भी बुलाते कैसे करके ऊपर पहुंचाते हैं भाई लोग। मैं तो अब ऊपर पे यहां पे तो ये देखो एकदम ड्रैगन के बगल में आगे बैठा हूं और बाकी भाई लोग नीचे ही है अभी, वो लोग नहीं आए पता नहीं क्यों है, बिखर रही थी उनकी। बाकी मैं तो हमेशा फ्री वाला हूँ, वॉच भी आ गया मैं, भाई लोग नीचे बैठे हुए देखो सामने, ये तीन के तीन बंदे यहाँ पे बैठ के पता नहीं क्या क्या रणनीति बना रहे हैं अभी पता नहीं, और बाकी लोग आ रहे हैं अभी। बाकी भाई लोग झूला स्टार्ट हो चुके हैं वाला, देखते हैं क्या होता है। आज पहली बार बैठ रहा हूँ यहाँ पे इस साइड में, बाकी उस साइड बैठ रहता हूँ, बाकी देखो पीछे ऐसा लौट पीछे का, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, मजा आ रहा है, कोई नहीं बहुत बढ़िया है, जन्नत लग रही जन्नत एकदम। ये वाला झूला खत्म हो चुका है और कसम से अभी तक फटके आस पास ही है, पता नहीं कहाँ कितने ऊपर ऊपर जा रहा है कसम से, एक तो ऊपर बैठा था सबसे लास्ट में, इसलिए कुछ ज्यादा ही तेज हो गया था।
बाकी अब सही लग रहा है, थोड़ा कंफर्टेबल हो रहा है। बाकी चलते हैं, उतरते हैं यहाँ से, दूसरे चूल्हे में आते हैं। अब बारी इस वाले में, ये थी पब्लिक जो सामने फटफट की चल रही थी। मैं तो सोच रहा था रुक गया, लेकिन अभी दोबारा चल रहा है, अभी एक ही राउंड बचा बस हो गया। अब तो ऊपर ऊपर जा रहे हैं चक्कर आए ना अभी तक यार, सच में बहुत ज्यादा तगड़ा वाला था इस बार तो, आज तो सबसे तगड़ा काका। बाकी यार झूले उले के चक्कर में भाई लोग खो गए अपने, पता नहीं कहाँ गए, अब ढूंढना पड़ेगा इनको, उसके बाद देखते हैं आगे वाले झूले में। तो यार अभी थोड़ा मेले से मैं तो साइड में आया हूँ, और आपको एक पूरा मेले का व्यू दिखाता हूँ, कैसा है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या नहीं है, सब कुछ दिखाता हूँ आपको। चलो तो शुरुआत करते हैं यहाँ से झूलों से। ये लगे सामने झूले देखो, जिनमें से अभी मैं एक झूल के आ गया हूँ, एक बाद में जाऊँगा, बाकी एक ये रहा और एक ये रहा, और इस तरफ ये वाला रहा बच्चों का, सामने ये रहा बच्चों का लगा हुआ है यहाँ पे बढ़िया सा, और इस तरफ ऐसी मार्केट है, और यहाँ पे लगी ट्रेन। बाकी मैं इन लोगों भाई लोगों को भी ऊपर ढूंढ रहा था, ये लोग यहाँ बैठ के यहाँ से सामने का जहाँ वो लग रहा है, जहाँ प्रोग्राम हो रहे हैं वहाँ के मजे ले रहे हैं, दिखाता हूँ आपको कहाँ पे हो रहे प्रोग्राम। ये देखो सामने लगे हुए प्रोग्राम मंच पे स्टेज पे, और पीछे पब्लिक बैठी हुई है, और अभी यहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं हो रही, बिल्कुल भी नहीं, जो भीड़ होगी इसलिए थोड़ी देर बाद होगी। यहाँ पे लगे हैं देखो निशान सूरवीर। तो वापस से आ चुके हम लोग, नीरज भाई आ गए मेरे साथ वापस से, बाकी चलते हैं। अभी जस्ट हम लोग नीचे मेले से ऊपर आ गए हैं, और यहाँ से दिखाते हैं आपको ऊपर का व्यू कैसा आ रहा है, मतलब मस्त व्यू आ रहा है, ठीक ठाक आ रहा है, बढ़िया आ रहा है, मजे आ रहे हैं ऊपर से देखने में। ऊपर यहाँ रोड है, मतलब रोड में हम लोग शांति से बैठ के पीछे यहाँ झूले के मजे ले रहे हैं, और यहाँ से पूरा व्यू देख रहे हैं। देखो इस तरफ झूला लगाया ऐसा कुछ, ये रहा झूला, और बाकी नीचे पानी की बच्चों के लिए, और इस तरफ लगी पूरी मार्केट। A few moments later. तो यार वापस से, ये देखो इस वाले झूले में वापस से एंट्री हो चुकी है, यहाँ से नीचे आया हूँ मैं, बाकी बिना टिकट के वापस से आ चुका हूँ। देखो इतनी बड़ी जगह, यहाँ से निकल के आया था अंदर में। तो यार फाइनली आ गए हम चार लोग, देखो एक दो तीन चार के चार एकदम आपने, और अभी मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ दो भाई और भी है पीछे हो रहे, राजू भाई लोग, ये दो भाई लोग हैं जो मेरे साथ फ्री में आए एकदम, बाकी मेरी साइड और वो लोग साइड है। तो यार देखो झूला भी स्टार्ट होने वाला है, और तुम्हारा भाई देखो कहाँ पे आ गया है, यहाँ पे ड्रैगन का मुंह होता है एकदम, कौन ने खूब चल रहे सब सीन यहाँ से, और पीछे देखो यहाँ से हमारे पीछे बैठे बड़े बंदे, और सबसे ऊपर अपन है कुछ इस तरह का है, देखे मस्त एकदम। तो फाइनली बहुत देर के बाद सारे भाई लोग आ गए अपने, एक दो तीन चार पाँच पूरी गैंग आ गई है यहाँ पे, और बाकी सबको झुला दिया एक बार, सब झूले में झूल चुके हैं, बाकी अब गोलगप्पे खिलाएंगे लोग। तो गया अभी यहाँ पे गोलगप्पे खाने का, भाई खिलाएंगे हम इसके छह गोलगप्पे, तो शुरू करते हैं वैसे गोलगप्पे खाने का सिलसिला जारी है। यहाँ पे देखो ये रही दुकान पे 20 के 6 गोलगप्पे खिला दे भाई लोग, अब भाई से प्यार से बात करोगे तो आप 8 भी खिला देंगे कोई बात नहीं, लेकिन खिलाते बहुत सही है। एक नंबर गोलगप्पे बनते हैं यहाँ पे बढ़िया वाले एकदम, रोज के खाने वाले रोज के ग्राहक हम तीन लोग यहाँ पे। एक खिला दो, एक एक यार। तो यार भाई से हमने एक एक एक्स्ट्रा खाने के लिए बोला, भाई ने एक एक एक्स्ट्रा खिलाया, इसके लिए भाई का दिल से शुक्रिया एकदम। तो अभी हम लोग ऐसे देख लीजिए प्रोग्राम चला, गाना चला अच्छा खासा, दिखाता हूँ आपको क्या गाना है। तो यार बात ये है कि हम लोग ऊपर से देख रहे थे कौन गा रहे हैं, गा तो अच्छा रहा लेकिन पता नहीं कौन गा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए पास आके देखते हैं कौन गा रहे हैं, है कौन गा रहे हैं वहीं जाके, बाकी वहीं आगे पता करते हैं। राजू भाई हमारे साथ बने हैं देखो, तो ही
बाद फाइनली अभी टाइम हो रहा है 10 बज गया है और हम लोग आ चुके हैं महिला से ऑफिस, और इसी के साथ अभी इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में।